हल्द्वानी में कल हिंसा के बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन इलाके की निगरानी हेलीकॉप्टर से कर रहा है। पूरे इलाके में प्रशासन का कड़ा पहरा है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हेलीकॉप्टर को भी यहां पर लगाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस वालों को जिंदा जलाने की जो कोशिश की गई, थाने में आगजनी की गई, उसके बाद आसपास के इलाके में भी आगजनी की जो घटनाएं सामने आई, जो आउट ऑफ कंट्रोल यहां पर भीड़ हो गई। कल की ये खबर जिसे लेकर आज एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है और हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी हो रही है। तो कुछ जो आरोपी हैं दंगा फैलाने के, उन पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीते गुरुवार को जमकर हिंसा हुई। दरअसल नगर निगम की और पुलिस की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी, लेकिन वहां पर पुलिस कर्मियों पर बुरी तरीके से हमला कर दिया गया। इस वक्त हम थाना वन भूलपुरा में मौजूद हैं और मेरे पीछे ये जो मंजर है पूरी तरीके से गवाही दे रहा है कि किस तरीके की स्थितियां उस कल के दिन हल्द्वानी में थी। दरअसल थाना वन भूलपुरा को उत्पातियों ने पूरी तरीके से जला दिया। सैकड़ों के आसपास वाहन थे जिनमें मोटरसाइकिल, कारें, उनको पूरी तरीके से जला दिया और उसका मलबा अब यहाँ पर नगर निगम की टीम पूरी तरीके से हटा रही है। जो मंजर आप देखेंगे वो इतना भीषण है कि सड़कें काली पड़ चुकी हैं। मेरे लेफ्ट में आप देखें तो ये थाना वन भूलपुरा है और इसको पूरी तरीके से जला दिया गया है। मैं आपको अंदर से एक बार उन विजुअल्स को दिखाऊंगा, उस कंडीशन को दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर उत्पातियों ने पूरी हिंसा की और एक प्लानिंग ये थी कि पूरे थाने को जला दिया जाए। थाने के अंदर जो कंट्रोल रूम है, तमाम जगह है जहां पर अधिकारी बैठते हैं, उसको पूरी तरीके से फूंक दिया गया। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो उत्पाती थे, शरारती तत्व थे, वो अपने मंसूबों में कामयाब रहे। ये थाना है और एक बार आप विजुअल्स देखें तो आपको बुलेट, मोटरसाइकिल से लेकर तमाम चीजें नजर आएंगी जो पूरी तरीके से जल चुकी हैं। उत्पाती शरारती तत्व थाने के अंदर घुस आए थे। तो कल की हिंसा के बाद आज हल्द्वानी में मस्जिदों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बाजार में फिलहाल शांति का माहौल है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। हल्द्वानी शहर में संभावित हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हुए हैं। विशेष तौर पर जो मस्जिदें हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है और साथ ही जो मस्जिद हिंदू इलाके में है, इस समय मैं जामा मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हूं। ये शहर की मेन मस्जिद है और यहीं पर शहर इमाम भी रहते हैं और यहीं से वो नमाज अता करवाते हैं, लेकिन इस समय इस मस्जिद के दरवाजे आपको बंद नजर आ रहे होंगे। ये हल्द्वानी के मेन बाजार में मौजूद है और आपको मस्जिद इस समय इसके दरवाजे आम दिनों में खुले रहते हैं, विशेष तौर पर शुक्रवार के दिन तो यहां पर बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है, लेकिन आज आप देखिए कि किस तरीके की सुनसानी यहां पर पसरी हुई है। ये शहर का मेन बाजार का इलाका है जिसमें आपको इक्का दुक्का लोग जो जरूरी काम से जा रहे हैं वही लोग दिखाई देंगे। आम दिनों में बहुत ज्यादा रश यहां पर रहता है, विभिन्न तरह की यहां पर दुकानें हैं, लेकिन इसके ठीक पीछे अगर हम एक दो गलियां छोड़ दें तो यहीं से मुस्लिम आबादी शुरू होती है और एक तरीके से ये वो इलाका है, ये बैटल फील्ड बन जाता है जब ऐसी स्थिति हल्द्वानी में पैदा होती है, क्योंकि एक तरफ यहां हिंदुओं की आबादी है तो दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी है। तो ऐसे में पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं और विशेष तौर पर पुलिस का यह कहना है कि आप घरों से न निकलें, कोई मेडिकल अगर इमरजेंसी है तभी आप घर से निकलिए और सुरक्षित रहिए। शैलेंद्र नेगी, न्यूज 18 हल्द्वानी। हल्द्वानी घटना के बाद रामनगर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में धारा 144 लागू है। हालांकि नगर में पूरी तरह से आम जनजीवन सामान्य है और यहां पर प्रशासन ने स्कूल बंद किए हैं। घटना को देखते हुए रामनगर में धारा 144 लागू की गई है, जिसके बाद से आप देख सकते हैं कि रामनगर में स्थिति सामान्य है, आम जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा है। यहाँ धारा 144 का सीधा मतलब है कि चार या चार से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर खड़े नहीं हो सकते। कोई जुलूस, प्रदर्शन, इस तरह की सभी चीज़ों पर
प्रशासन की नज़र रहेगी, वो नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ें, और जो भी इस तरह की चीज़ें करनी होंगी उसके लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही वो चीज़ें की जा सकेंगी। और इसके साथ ही असलहा या लाठी डंडों को लेकर चलना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अगर असलहे ले जाते हुए कोई प्रदर्शन करता है तो वो भी गैरकानूनी माना जाएगा। और इसके साथ साथ प्रशासन ने स्कूल की छुट्टी कर दी है, आज के दिन स्कूल बंद रहेंगे, जिससे कि कोई भी स्थिति अप्रिय घटना होने पर स्थिति को तुरंत संभाला जा सके। गोविंद पाटनी, न्यूज 18 रामनगर।